क्या टॉपिक है, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। इन्होंने एक टेबल दिया हुआ था जिसमें आपने रेट लॉ पढ़ा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टाइम डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इफेक्ट। ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसिडरेशन करता हूं तो उसको हम रेट लॉ बोलते हैं, और रेट इक्वेशन भी कई जगह बोलेगा, रेट एक्सप्रेशन भी बोलेगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपके yes, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू कंसिडर द रिएक्टेंट। ओके, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, सो द रिएक्शन विल डिक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। ओके, सेम विद द थिंग्स, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर ए रिएक्शन, यू आर सीइंग ओवर हियर, क्या रिएक्शन है हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास मोलर वैल्यू के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, यू कैन कंसिडर दिस रिएक्शन, राइट इट डाउन, राइट डाउन द रिएक्शन। सो रेट इज ए रेज टू पावर एक्स, दैट कैन बी ए, बी रेज टू पावर वाई, दैट कैन बी बी, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यू नो अबाउट दिस, पता है ना आपको? यस सर। तो रिएक्टेंट में हम जब रेट को कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, आपको पता है ये बात? हाँ सर, रिएक्टेंट में नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वहां पे लिखो लिखो कॉपी में लिखते जाओ। Where K is their proportionality of constant or called rate react, rate constant. K को हम constant करते हैं, मालूम है आपको? Yes. So rate law of the is the expression in which the reaction rate is given in term of molar concentration of the reactant, which each term raised to some power which may or may not be same. Not necessary, it is always stoichiometric constant. जब आप order of the reaction पढ़ोगे तो आप हमेशा stoichiometric constant पे नहीं handle करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको stoichiometric constant पे basic reaction को करना है। okay? Okay? Yes, sir. Reaction is written over here. They have given the reaction. Write it down, this reaction. 2NO plus O2. So we have two reactant over here, one is the NO and another one is the O2. Okay. Yes, sir. Initial concentration is 0.30 and 0.30. Initial concentration. Initial rate of then initial concentration of the NO is 0.60, then it is again 0.30. By the time span, third span mein aapke paas 0.30 ho ja raha hai NO aur 0.60 ho ja raha hai O2. और एट द एंड ऑफ द टाइम हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है उसमें एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि एनओ हमारा 0.60 आ रहा है और दिस इज और वो भी हमारा 0.60 है। क्लियर? सो रेट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टू देयर, एनओ डायरेक्ट लिखेंगे इसको, लिख सकते हैं ना? पहले आउट हो उन्होंने तक गन मिल रही इसको आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट व्हेन द कंसंट्रेशन NO इज डबल्ड दैट द O2 इज केप्ट कांस्टेंट देन द इनिशियल रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। यहां आप देखिए इस चीज को आपको रीड करना है, and the concentration of NO
is double, first stage, then the O2, it becomes four times. It becomes four times. इसको read करो. और when the concentration of NO decreases, when the concentration of NO is constant. Kept constant. 0.30 हमने अब कर दिया थर्ड स्टेज में. मतलब जो शुरू में थी वही बात हमने रखी है 0.30 एंड हमने O2 को डबल कर दिया है. हमने O2 को डबल कर दिया है तो हमारी जो वैल्यू आ रही है इंडिकेटिंग द रेट डिपेंड ऑन द O2 ऑफ द फर्स्ट पावर. ये हमारा डबल हुआ है. दिखाई पड़ रहा है आपको? यस सर. दिस बिकम डबल. इनमें इनमें चूंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है इसलिए इसमें जब हम इसको कॉन्स्टेंट रखते हैं O2 को कॉन्स्टेंट रखते हैं और इसको डबल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू फोर टाइम होती है. और हमने अगर NO को कॉन्स्टेंट रखा और O2 को डबल कर दिया तो हमारी वैल्यू टू टाइम्स होती है. ठीक है, तो वन मोल का कैलकुलेशन है. और अगर हमने दोनों को डबल कर दिया है, हमने दोनों को डबल कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी हो जा रही है वो बताओ. एट टाइम्स हो रही है ऑन एन एवरेज. ठीक है, एट टाइम्स. तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ एक्सप्रेशन नोट डाउन करो इसे. इसको आप फिर से पढ़ेंगे और मैं आपसे फिर 5 मिनट में कनेक्ट हो रहा हूं. ओके, 5 मिनट में इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे क्योंकि हम ऑर्डर में जाने वाले हैं तो पहले आपको टॉपिक पढ़ना होगा. मैं आपसे 46 है ना, आफ्टर 5 मिनट इट विल बी कितने बजे हम कनेक्ट हो रहे हैं? 51. हाँ, अराउंड 52 मैं कनेक्ट हो जाऊंगा. ओके.